नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 26 जून। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 50 से 100 के नजदीक। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 215 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 8,488 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 1, औरंगाबाद में 8, बांका में 1, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 7, भोजपुर में 1, बक्सर में 5, दरभंगा में 9, गोपालगंज में 5, जमुई में 8, जहानाबाद में 2, कटिहार में 2, खगड़िया में 1, किशनगंज में 3, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 6, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 28, नालंदा में 1, नवादा में 11, पश्चिम चंपारण में 13, पटना में 15, पूर्वी चंपारण में 7, पूर्णिया में 14, रोहतास में 6, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 6, सारण में 1, शेखपुरा में 1, सिवान में 9, सुपौल में 12, वैशाली में 1 मामले सामने आए हैं। वहीं इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए शाम 4 बजे तक अपडेट के अनुसार अब तक बिहार में 6,480 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से अब तक 56 लोगों की जान भी जा चुकी है। सीबीएसई की 10वीं की बची हुई परीक्षाओं को किया गया कैंसिल। सीबीएसई की बची हुई 10वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके तहत अब 1 से 15 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं नहीं होंगी। जिसके तहत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा है कि 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षाएं जब हालात सामान्य होंगे तो कराए जाने की संभावना जताई गई है। अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो 12वीं की परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा, या तो वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अंक लेने के लिए राजी हो जाए, या फिर माहौल ठीक होने के बाद एक बार फिर से परीक्षाओं में शामिल होने को तैयार हो जाए। विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए के 5 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जहां जोर शोर से राजनीति देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, एनडीए के 5 प्रत्याशियों ने बीते दिन अपना नामांकन भी दाखिल करवा दिया है, जिसके तहत भाजपा प्रत्याशी संजय प्रकाश और सम्राट चौधरी महेंद्र सिंह जदयू की तरफ से गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म सिंह को अपना पर्चा दाखिल किया है। ज्ञात हो, नामांकन भरने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। बाबा धाम में ऑनलाइन पूजा और दर्शन करेंगे भक्त। इस साल बाबा धाम के लिए तो आम नागरिकों को जाने की अनुमति नहीं दी गई, मगर इस बार देवघर जिला प्रशासन ने इंटरनेट पर पूजा करने का विकल्प दिया है। जिला प्रशासन ने सावन महीने में बाबा वैद्यनाथ मंदिर क्षेत्र के आसपास सहित झारखंड प्रवेश द्वार, कांवरिया पथ और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। श्रावणी मेले का आयोजन तो इस साल नहीं हो पाएगा, मगर श्रद्धालुओं को रोकने की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। वहीं पूजा के लिए पर्यटन विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया गया है। नामांकन से पहले कांग्रेस ने अपने एमएलसी उम्मीदवार का बदला नाम। नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम बदल दिया है। तारिक अनवर के विधान परिषद चुनाव से जुड़ने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उनकी जगह पर समीर सिंह को उम्मीदवार चुन लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, समीर सिंह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस सचिव अजय कपूर ने की है। वहीं तारिक अनवर के नाम पर हटाए जाने पर कांग्रेस सचिव ने कहा है कि उनका नाम बिहार के वोटर लिस्ट में नहीं है, ऐसे में वह नामांकन दाखिल नहीं कर सकते हैं। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की जताई गई संभावना। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 72 घंटे में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। तेजस्वी यादव ने की सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बिहार के फिल्म सिटी का नाम रखने की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी का नाम रखने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि इस दुख के समय में सुशांत के परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि राजगीर में जो फिल्म सिटी बन रही है उसे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाए। उन्होंने आगे कहा कि सुशांत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्मार्ट सिटी की सूची में 14 अंक नीचे फिसला पटना। बीते दिन स्मार्ट सिटी की सूची तैयार की गई थी, जिसमें राजधानी पटना लगातार पिछड़ता जा रहा है। शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार पटना 14 अंक नीचे गिरकर 47वें स्थान पर पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से जारी किए गए सूची में कुल 98 शहरों में पटना को यह स्थान प्राप्त हुआ है। मार्च में जारी किए गए सूची में पटना को 42.89 स्कोर मिला था। जानकारों की माने तो पटना के स्थान में गिरावट का कारण योजनाओं की रफ्तार का धीरे होना है।
बीते दिन सड़कों पर उतरे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। कोविड 19 के इस माहौल के बीच बीते दिन बिहार में सड़कों पर राजनीति जोर शोर से देखने को मिली, जिसके तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध करते नजर आए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए एनडीए सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए यह दोनों नेता सड़कों पर उतरे थे, जहां पर दोनों नेताओं ने अपना विरोध साइकिल चला करके प्रकट किया। बिहार से निकले अभिनेता मनोज बाजपेयी और अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने नेपोटिज्म पर दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार से निकले अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अब सामने आकर नेपोटिज्म पर खुलकर अपनी बात रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है। मैं यह 20 साल से कह रहा हूं, हमारे विचारों और मूल्यों में कहीं ना कहीं कमी है। हम जब प्रतिभा देखते हैं तो उससे हम अनदेखा करना चाहते हैं। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर अदाकारा अक्षरा सिंह ने कहा कि हर जगह नेपोटिज्म है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले प्रतिभाशाली लोगों की अनदेखी हो। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 83 लोगों की गई जान। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 83 लोगों की जान चली गई है। बीते दिन जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में 23 अलग अलग जिलों में बिजली गिरते देखी गई है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आंकड़ों के मुताबिक गोपालगंज जिले में 13, सिवान भागलपुर जिले में 6, पूर्वी चंपारण दरभंगा बांका में 5, खगड़िया औरंगाबाद में 3, जहानाबाद जमुई पूर्णिया सुपौल बक्सर किशनगंज पश्चिम चंपारण जिले में 2, समस्तीपुर सीतामढ़ी शिवहर सारण और मधेपुरा जिले में 1, जबकि मधुबनी और नवादा जिले में 8 लोगों की जान चली गई है। 15 जुलाई तक राशन कार्ड वितरण का काम बिहार में हो जाएगा पूरा। बिहार में 15 जुलाई तक राशन कार्ड वितरण का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी जानकारी सूचना सचिव एवं जनसंपर्क विभाग के अनुपम कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि राशन कार्ड वितरण का काम शुरू करवा दिया गया है और अभी तक गैर राशन कार्डधारी परिवारों के लिए 21,90,000 नए राशन कार्ड बनवाए जा चुके हैं। 15 जुलाई तक नए राशन कार्ड का वितरण पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि गैर राशन कार्डधारी चिन्हित संयुक्त परिवार को 1,000 रुपये की सहायता राशि भी उनके खाते में भेज दी गई है। राजद ने रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा किया रिजेक्ट। बीते दिन राजद ने प्रदेश अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा दिए गए इस्तीफे को रिजेक्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, उनकी नाराजगी को कम करने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद पहल शुरू की है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि रघुवंश बाबू के इस्तीफे को आलाकमान ने खारिज कर दिया है, बातचीत के बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने मीडिया हाउस द्वारा रामा सिंह के ज्वाइनिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया है। 24 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म होगी रिलीज। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जिसका नाम दिल बेचारा है। जानकारी के मुताबिक यह फिल्म डिज्नी हॉट स्टार प्लस पर 24 जुलाई को रिलीज की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है जो रिलीज होने वाली है। पहले नवंबर में रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। हालांकि उनके फैंस ने अपील की थी कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को OTT प्लेटफॉर्म के बजाय सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए, वह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, लेकिन उनको OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया जा रहा है। वापस पट्टा लौटे जीतन राम मांझी। हम प्रमुख जीतन राम मांझी दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। वहीं पटना पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कोई खास बयान तो जारी नहीं किया है। हालांकि सभी विपक्षी दल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और यही कारण है कि बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी की अध्यक्षता में सभी नेताओं से बातचीत की गई है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने 25 तारीख तक का अल्टीमेटम सभी महागठबंधन दलों के सामने रखा था। वहीं अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आज मांझी कौन सा फैसला सुनाते हैं। कृषि मंत्री ने टिड्डी दल के रोहतास पहुंचने का किया दावा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बीते दिन रोहतास में छोटे टिड्डी दलों के पहुंचने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के रोहतास के कोचस प्रखंड में छोटे टिड्डी दलों को देखा गया है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हालांकि विभागीय पदाधिकारी इसे बड़ी सावधानी से खत्म करने में जुटे हुए हैं। जरूरी मिश्रणों का छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि टिड्डी दल का प्रयागराज पहुंचने से पहले ही हमने इससे निपटने की तैयारी कर ली थी। बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों के उफान पर आने की बढ़ी संभावना। तेज बारिश के कारण उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की संभावना एक बार फिर से बढ़ गई है। खबरों की माने तो नेपाल और आसपास के कई सीमाई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से बागमती, गंडक, गंगा, द्वार समूह की नदियां एक बार फिर से उफान पर आने की कगार पर पहुंचती दिखाई दे रही है। हालांकि 29 जून तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आपदा और जल संसाधन विभाग की टीम ने सुरक्षात्मक प्रबंधों को तेज कर दिया है।
बिहार में देखने को मिली लीची की 3 नई प्रजातियां। बिहार में लीची की 3 नई प्रजातियों को देखा गया है। अभी तक बिहार के मुजफ्फरपुर में चाइना लीची और शाही लीची का स्वाद लोग चख ही रहे थे कि अब बिहार में 3 नई प्रजातियों की लीची तैयार हो गई है, जो कि जुलाई तक बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गंडकी संपदा, गंडकी योग्यता और गंडकी लालिमा नामक विकसित प्रजातियां रांची और पंतनगर मूल की है, जिस पर लगभग 5 साल तक अलग अलग व्यवस्था और परिस्थिति में शोध किया गया है। इन नई लीचियों के प्रजाति के बाद किसानों के सामने 3 नए विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। चीन के बाद अब नेपाल ने सीमा पर बनाया वॉच टावर। भारत चीन के तनाव के बीच भारत और नेपाल के बीच भी विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते दिन नेपाल ने बिहार के रक्सौल में 1-2 का बॉर्डर पर एक वॉच टावर और बॉर्डर आउटपोस्ट तैयार कर लिया है। खबरों के माने तो नेपाल ने चीन के बहकावे में आकर गांव के पिलर संख्या 392/13 और 392/18 के बीच स्थित माइनर पिलर के आगे वॉच टावर बनाया है। हालांकि नेपाल उसे अपने सीमा के अंदर होने का दावा कर रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वह भारतीय सीमा के 20 गज अंदर बनाया गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह की नई रिपोर्ट आई सामने। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच कोविड 19 की चपेट में कई राजनीतिक नेता भी आ गए थे। इसी क्रम में रघुवंश प्रसाद सिंह की रिपोर्ट भी कुछ दिनों पहले पॉजिटिव आई थी, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार रघुवंश प्रसाद सिंह की कोरोना की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। घटक दल की बैठक में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के खिलाफ की बयानबाजी। समन्वय समिति की मांग को लेकर लगातार जीतनराम मांझी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं बीते दिन महागठबंधन के घटक दलों की बैठक में भी जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि महागठबंधन में हमारी कोई सुनता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन ने अपनी ढपली अपनी राह वाली स्थिति उत्पन्न कर ली है। चुनाव सिर पर है, ऐसे में हालात रहे तो नुकसान राजद और महागठबंधन को ही होगा। इतना ही नहीं, महागठबंधन दल के नेताओं ने कांग्रेस के रुख को देखकर भी ऐतराज जताए हैं, जिसके तहत कई नेताओं ने कहा है कि हम लोग सहयोगी हैं, ऐसा लगता ही नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर शरद यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिस पर अब पूर्व सांसद शरद यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार को जनता विरोधी करार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा एनडीए एक के बाद एक जनता के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। उनके बर्तावों की सूची इतनी लंबी है जिनको एक बार में बयान नहीं किया जा सकता है। वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने आम नागरिकों की जेब की चिंता भी बढ़ा दी है। भारत में व्हाट्सएप पे लॉन्च का रास्ता हुआ साफ। ब्राजील से ठुकराए जाने के बाद अब भारत में व्हाट्सएप पे लॉन्च करने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके लिए व्हाट्सएप ने भारतीय बैंकों और रेगुलेटर से लगातार बातचीत की है। वहीं पिछले 2 साल से व्हाट्सएप पेमेंट सेवा कुछ रेगुलेटरी वजह से फंस जा रही थी, जिसके बाद पिछले ही हफ्ते व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अब उसने भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा नियमों के हिसाब में बदलाव कर लिया है। जरूरी रेगुलेटरी काम पूरे हो चुके हैं और अब बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। सरकार से अनुमति मिलते ही यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। रोहित शर्मा ने शुरू की आउटडोर ट्रेनिंग। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी क्रिकेटर इन दिनों घर पर रहने पर मजबूर है। वहीं अब भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। खबरों की माने तो रोहित शर्मा ने आउटडोर ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिसके तहत रोहित ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, पार्क में वापसी करना अच्छा रहा, काफी लंबे समय बाद खुद को महसूस किया है। सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि टेस्ट टीम के खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने भी हाल ही में राजकोट में नेट पर बल्लेबाजी अभ्यास शुरू कर दी है। फेयर एंड लवली का नाम बदलने की शुरू हुई तैयारी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने हाल ही के बयान में जारी किया है कि कंपनी ने फेयर एंड लवली के नाम में बदलाव करने की पहल को तेज कर दिया है, जिसके तहत कंपनी ने ब्रांड नेम से फेयर शब्द हटाने का ऐलान जारी किया है। कंपनी ने नाम में बदलाव करने का फैसला इसीलिए लिया है ताकि उनके शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया जा सके, जिसके तहत कंपनी ने कहा है कि कोई भी ब्रांड सभी त्वचा टोन का जश्न मनाने के लिए प्रतिबद्ध होती है, इसलिए फेयर नाम इस सोच को आगे नहीं बढ़ा सकता। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ कुमार, उजाला चौधरी, लालू यादव, मिथिलेश राज, रत्नेश पांडे, पप्पू कुमार, रवि कुमार, विकास कुमार, अनिल कुमार, अभिषेक कुमार, संतोष कुमार, चंदन कुमार, ममता कुमारी, पंकज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजगीर में बनने वाले फिल्म सिटी का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।